Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today I received a package from PW and let me show you all कि मैंने कौन सी वाली बुक मंगाई है. तो guys, यहाँ पे मैंने मंगाई थी नीट बायो लेंस बायोलॉजी थ्रू इमेजेस. एंड इस बुक को ना बाहर से देख के लग रहा था कि मेरे को जल्दी से ये बुक को खोलना है, बिकॉज बाहर से ये इतनी ज्यादा सुंदर और फैसिनेटिंग लग रही थी ना कि आई रियली वॉन्टेड टू सी द कंटेंट इन साइड. एंड guys, लिटरली जब मैंने बुक को खोला ना, आई वॉज सो थ्रिल टू वॉच ऑल द डायग्राम्स ओवर देयर. लाइक इतनी सुंदर सुंदर डायग्राम्स थी ना, इतनी 3D एंड इतनी डिटेल में बना के दी गई थी ना वो डायग्राम्स. एंड ऑल्सो इसके पेज की क्वालिटी ना डिफरेंट ही थी. इसके जो पेज है ना वो काफी डिफरेंट थे नॉर्मल जो हमारे पेजेस होते हैं बुक के. ये वैसे वाले पेजेस नहीं थे, इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस. एंड डायग्राम्स काफी सही थी. अब मैं आप लोगों को इस वाली बुक्स के कुछ फीचर्स बता देती हूँ. तो सबसे पहले गाइज, आपको इसमें ना डिटेल डायग्राम्स मिल जाएंगे जिसमें डिटेल्ड लेबलिंग है. हर एक पार्ट की आपको अच्छे से लेबल करके दिया गया है. एंड रियल लाइफ इमेजेस भी कुछ कुछ जगह पे प्रोवाइडेड है ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए. एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मिल जाएंगे जिसमें आपको हर एक टॉपिक के डायग्राम के साथ लाइक हर एक पेज पे ना आपको मोस्टली एक एमसीक्यू तो दिखेगा ही. सो यस, आपको मोस्टली जगह पे एमसीक्यूज प्रोवाइडेड होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक और बॉक्स दिखेगा, वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी वाला पार्ट. अब गाइस, इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक किसी भी एक सिंगल पेज पे दिया हुआ है एंड अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो वो आपको उस बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी. एंड उसी के साथ साथ जो है आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मिल जाएगा उसके नीचे लिखा हुआ, ताकि आप चेक कर सको कि वो एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी में कहाँ पर है. इसमें ना क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी का पूरा जूलॉजी एंड बॉटनी का पार्ट कवर अप होता है. एंड बॉटनी में जो हमारा जो प्लांट किंगडम, जो बैक्टीरिया वगैरह वाले जो सेल है, सेल की भी इतनी अच्छी डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना. बेसिकली हर एक पार्ट को एक सिंगल बॉक्स में बताया हुआ है, मतलब हर एक पार्ट को ना एक्सप्लेन भी किया हुआ है. सो हाँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायग्राम देखते देखते अपना रिवाइज कर पाओगे. एंड हर पेज में जो ऊपर QR कोड है वहाँ से आप 3D मॉडल भी एक्सेस कर सकते हो इसका. एंड गाइस, दिस बुक इज रियली रियली गुड फॉर डायग्राम्स. एंड अगर आपको ये बाय करनी है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी. एंड अगर आप PW से लेते हो तो यू कैन यूज माई कूपन कोड SABI150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. नाउ लेट्स गेट बैक टू टुडेज वीडियो. सो आज की वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम 11th ऑफ सेप्टेम्बर. एंड आज मैं लेट उठी थी गाइज, मैं 5 बज गए थे मेरे को उठते उठते. एंड अब यहाँ पे मैं लेट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मेरा प्लान था 2 बजे उठने का, बिकॉज लिटरली ना मेरे इतने बैकलॉग्स भी हैं एंड एग्जाम्स का इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि मैंने जो टाइम शेड्यूल किया है ना, अगर मैं उसके रिलेटेड मतलब उसके ऊपर नहीं चलती हूँ, उसके फॉलो नहीं करती हूँ ना, तो मेरा ना काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो छूट जाएगा. बेसिकली एग्जाम से पहले मेरा काफ़ी सिलेबस ना रह जाएगा कंप्लीट करना, इसलिए मेरा काफ़ी ज़रूरी है कि जो भी मैं टाइम टेबल बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चलूँ. तो ना कल रात को बेसिकली जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे को काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि सारा सिलेबस एग्जाम का कैसे कवर अप होगा, बिकॉज मेरा कोचिंग का भी टेस्ट है एंड हमारे हाफ रिलीज भी काफी हार्ड आने वाले हैं, हमारे टीचर्स ने पहले ही बोल दिया है. तो इसलिए मेरे को ना काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे कंप्लीट करूंगी मैं सब कुछ. देन मैंने सोचा कि आराम से शांत हो जाते हैं एंड देन हम क्या करेंगे ना, टास्क को अपना डिवाइड कर देंगे कि कितने समय पे हमें कौन कौन सा टास्क करना है. सो इसलिए मैंने अच्छे से अपना डिसीजन लिया एंड फिर मैं बैठ गई थी अपना टाइम टेबल बनाने. तो मैंने जल्दी से टाइम टेबल बनाया था आज के लिए एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने टास्क डिवाइड करने स्टार्ट किए थे 2 बजे से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सुबह नहीं पढ़ती ना तो मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता. तो बेसिकली मेरा ये था कि 2 to 3:30 ना मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर जो है हमारा वो वाला, बिकॉज ये हमारे हाफ ईयरलीज में आएगा. एंड जिस दिन क्लास में पढ़ाया था मैं एबसेंट थी एंड उसी 2 दिन में ही चैप्टर खत्म करवा दिया, लाइक लिटरली खत्म करा दिया. एंड मेरे को कुछ नहीं पता कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या. तो मैं वही कल रात को कोई लेक्चर ढूंढ रही थी कि मैं इस वाले चैप्टर को कैसे कंप्लीट करूं. तो कल रात को ना मेरे को एक लेक्चर मिला था अमित महाजन सर का फिजिक्स वाला से, जो कि एक क्रैश कोर्स वाला लेक्चर था जो कि 2 घंटे का था. तो मैंने आधे घंटे का तो कल रात को फिनिश कर लिया था, बाकी 1.5 घंटे का मेरे को सुबह करना था, इसलिए मैंने 2 to 3:30 का अपना टाइम सोच के रखा था. बट यहाँ पे मैं उठती हूँ 5 बजे एंड आई वॉज रियली शॉक्ड बाय सीइंग द टाइम कि इतना लेट हो चुका है ऑलरेडी. तो मैं जल्दी से खड़ी हुई, मैंने अपना फ्रेशन वगैरह होने वाला काम किया, सुबह के एक्टिविटीज वगैरह, एंड फिर मैं सीधा बैठ गई पढ़ने. लेकिन इससे पहले ना मैंने फोन चेक किया था व्हाट्सएप ग्रुप एंड वहाँ पे मेरे को एक चीज पता चली जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगी. तो इसके अगले दिन पैट का एग्जाम था मेरा, तो आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी बट मेरे भाई का स्कूल था, तो यहाँ पे मम्मी और मैं मेरे भाई को छोड़ने गए थे. एंड आते ही मैंने सबसे पहले तो बेडशीट को चेंज किया, बिकॉज काफी दिन हो गए थे चेंज नहीं की थी, तो मैंने सबसे पहले ये किया. हाय गाइस, सो अभी मैंने फाइनली अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपने हाफ ईयरली की केमिस्ट्री के सिलेबस का, डेट इज रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये वाला चैप्टर मेरे को लगा कि मेरे को काफी टाइम लग जाएगा चैप्टर कंप्लीट करने में, बिकॉज क्लास में भी ना बहुत जल्दी खत्म हो गया था, मतलब टोटल 2 क्लासेस लगी थी टोटल की एंड उसमें ये चैप्टर मैम ने खत्म कर दिया था. सो आई थॉट कि इतना बड़ा चैप्टर मैम इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर दिया, तो मेरे को लगा कि मेरे को खुद से जाकर यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा ये वाला चैप्टर. तो फिर मैंने कल रात को ये डिसाइड किया था कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, बिकॉज आई गेस मेरा लेक्चर जो था वो 2 आवर्स का था, तो रात को तो मैंने आधे घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था. सो मेरे पास 1.5 आवर का लेक्चर भी पेंडिंग था,
तो मैंने सोचा कि 2 से लेकर 3:30 AM तक मैं अपने ये वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, देन मैं फिजिक्स पढ़ूंगी। लेकिन मैं उठती हूँ 4:45 AM पे, तो मेरा जो पूरा टाइम था ना सुबह जो मैंने सोचा था वो वहीं पे चला गया। तो मैंने सोचा कि चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, बट सुबह उठते मैंने अपना व्हाट्सअप ग्रुप देखा था हमारे क्लासमेट्स वाला, तो उसमें वो लोग बोल रहे थे कि बस 2 टॉपिक आने वाले हैं इस चैप्टर से, डेट इज अपना ऑक्सीडेशन नंबर वाला, उसके रूल्स वगैरह, और हमारा बैलेंसिंग। तो ये 2 टॉपिक आने वाले थे, तो मैंने सोचा दैट्स अ गुड थिंग। तो मैंने 1 घंटा लगा के ना मैंने वीडियो लेक्चर नहीं देखा, मैंने ना खुद से कंप्लीट किया, मतलब वो बैलेंसिंग वाला मैंने देखा, खुद से पढ़ा एंड खुद से मैंने कंप्लीट कर लिया। बिकॉज अगर मैं लेक्चर देखती ना तो मुझे समझ भी नहीं आता, एंड मतलब आपको पता है क्या होता है अगर मैं बीच बीच में से टॉपिक वाले लेक्चर देख रही हूँ। तो मैंने खुद से उसको कंप्लीट कर लिया है, फाइनली ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके जितने रिविजन मेरी बाकी है ना वो मैं जिस दिन मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगी उस दिन मैं कर लूँगी। अभी मैं करने जा रही हूँ फिजिक्स, बिकॉज मेरे को करना है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, खुद से करूँगी, यूट्यूब नहीं देखने वाली हूँ, वीडियो नहीं देखूंगी, बिकॉज उससे ना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद से प्रैक्टिस करूँ, सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो। एंड साथ ही साथ ना मैं अपने भाई को छोड़ने गई थी ना तो हमने वॉकिंग भी कर ली थी ताकि माइंड फ्रेश हो जाए एंड मैं पूरे दिन रिफ्रेश होकर आराम से पढ़ सकूं। एंड जब मैं वापस आई देन फ्रेशन वगैरह होकर जब मैं बैठी थी पढ़ने के लिए तो मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से। अब गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि केमिस्ट्री में मेरे साथ क्या हुआ, मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की सोच रही थी कि कैसे होगा, बट उसमें से कुछ ही टॉपिक्स आ रहे थे। सो आई वाज लाइक व्हाट, लाइक सोचने में तो ऐसा लगता है कि भाई क्या इतने कम आ रहे हैं क्या, फिर ऐसा लगता है कि हाँ एक टाइम के लिए कि अच्छी बात है कम आ रहे हैं, मेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा पूरा चैप्टर। वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था, सो एक एट अ मोमेंट ना मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई थी इस चीज़ को लेकर। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था, तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन मैंने सोचा कि मैं अब उसे खुद कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। अब मेरा स्कूल में भी हो गया है, कोचिंग में भी हो गया है, तो अब वीडियो लेक्चर देखूंगी तो क्या पता है मेरा टाइम वेस्ट ही हो जाए, एंड जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकती थी उसको मैं वीडियो लेक्चर देखने में वेस्ट कर दूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी NCERT खोलती हूँ ताकि मेरे को फॉर्मुलेस पता चल जाए, अपनी क्लास की नोटबुक खोलती हूँ बिकॉज मेरी क्लास की नोटबुक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रखे हैं मैम ने एंड काफ़ी नोट्स भी जो है वो अच्छे से बनवा रखे हैं। तो मैंने सोचा कि उन नोट्स को अगर मैं फॉलो करूँगी ना तो आई गेस मेरे को होप सो सब कुछ समझ आ जाएगा एंड फिर मैं SL अरोरा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगी, बिकॉज हमारे एग्जाम में ना SL अरोरा से क्वेश्चंस मैम डालने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अपने पूरे सिलेबस की ना एक फॉर्मूला शीट रेडी करी थी। ओके गाइस, तो अभी मैं कंप्लीट करी थी अपना ये वाला चैप्टर पार्ट का एंड ये वही चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा वेटेज का आने वाला है। तो अभी मेरे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आई एम स्टिल लेफ्ट विद इट, बट अभी क्या हो रहा है ना मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है। सो हाँ मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है एंड आई एम थिंकिंग टू हैव समथिंग। तो मैं सोचती हूँ कि क्या रखा है क्या खाऊंगी, बेसिकली मेरा मैगी खाने का तो मन नहीं है, सो कुछ और अभी बनाते हैं एंड वही खा लेते हैं जो जल्दी से बन जाएगा वो। सो लेट मी सी अ ऑप्शन फॉर दैट कि मेरे को क्या मिलता है अंदर अलमारी में, तो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को काफ़ी भूख लग रही थी तो मेरे पास यही एट दी एंड ऑप्शन बचा था कि मैं एक नमकीन चाट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने टमाटर काटे, प्याज काटी, देन अपनी नमकीन डाली थी, फिर इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था साइड में और फिर नींबू भी डाल दिया था। फिर इसको ऐसे करके मैंने अच्छे से रेडी कर लिया और नमक और नींबू साइड में नहीं डाला था, बेसिकली उसके ऊपर डाला था एंड उसके बाद मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो गाइज अब जाके मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है ये वाला चैप्टर, सो दिस इज़ द लास्ट पेज एंड इतना मैंने कंप्लीट किया है, ये आज ही कंप्लीट किया, लाइक मैंने पूरा अभी लिखा था आज ही, डेट मैंने उस दिन की डाली हुई थी जिस दिन मैंने चैप्टर की हेडिंग डाली थी, बट मैंने पूरा चैप्टर आज ही स्टार्ट किया था कंप्लीट करना एंड अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब बारी आती है इसे लर्न करने की, तो मैं देखो कभी भी किसी चीज़ का लर्न नहीं करती हूँ, स्पेशली जो इंग्लिश वाले जैसे चीज़ें होती हैं, तो आई विल बी जस्ट रीडिंग इट। समझने के बाद मैं आंसर्स ना खुद से लिख देती हूँ, तो फिर मेरे को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है एज सच, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो लिखते लिखते मेरे को थोड़ा सा तो समझ आ ही गया था, बस अब थोड़ा सा इसको एक और बार गो थ्रू करना है एंड देन बस हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी इस चैप्टर की, देन बाकी चैप्टर को भी एक बार पढ़ लूंगी, देन आई एम डन विद इट। सो फिर बायो करेंगे। अब आज के लिए मेरा केमिस्ट्री का फिजिक्स का काम कंप्लीट हो चुका था जो कि मैंने आज का प्लान किया था, बस ऐसा था कि मेरे फिजिक्स के ना कुछ थोड़े से रह गए, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे जो कि मुझसे नहीं हो पाए, बिकॉज बेसिकली मेरे को अपने लॉज ऑफ मोशन के नोट्स रिवाइज करने थे फिर क्वेश्चंस करने थे, बट मैंने तो फॉर्मूला शीट बना दी, मतलब अपना टास्क ही चेंज कर दिया। तो मेरे को अभी लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो मैं किसी और दिन अभी करूंगी उसको। एंड अब जिसका कल एग्जाम है उसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो अपने नोट्स कंप्लीट किए थे जल्दी से, जो कि चैप्टर
हमारा मेन है उसके, एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी इसको लर्न करने के लिए. अब बेसिकली मैं लर्न नहीं करती, मैं क्या करती हूँ ना, जो नोट्स मैंने लिखे हुए हैं ना उसको मैं पढ़ती हूँ, एंड देन मैं अपने आप को समझाती हूँ, मतलब तेज़ बोल बोल के ना अपने आप को समझाती हूँ. तो इससे क्या होता है ना, मेरे को वो अपने आप ही लर्न हो जाता है. अब देखो, मैं अपने आप से सेंटेंसेस वगैरह बना के ऑलरेडी लिख सकती हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को वर्ड टू वर्ड रटना पड़ेगा. मेरे को बेसिकली क्या करना है, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है ताकि मैं एग्जाम में जाके लिख सकूँ. इसलिए मैं अपने आप को ऐसे टीचर बन के ना समझाती हूँ कि ये ऐसे ऐसा है, एंड फिर मेरे को जल्दी से लर्न भी हो जाती है वो चीज़. एंड मेरे को ना शाम को एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करना था, तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई उसी के रीटेक्स यहाँ पे ले रहे थे, तो ये है उसके बिहाइंड द सीन्स. एंड सॉरी गाइज, मैं आप लोग को बताना भूल गई कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पे पढ़ा था, तो मैं वो स्क्रीन पे टाइम मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग को भी एक बार रेफरेंस मिल जाए कि मैंने दोपहर में क्या पढ़ा था, शाम को क्या पढ़ा था. तो यहाँ पे सिमिलरली मेरा यहाँ पे शाम का टाइम है बेसिकली, इट वॉज अराउंड 7:30 या फिर 8 o'clock हो रहा था, एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी. आप गाइज, जितना भी मेरे हाफ ईयरली में सिलेबस आने वाला है उनके सारे चैप्टर्स के मेरे कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हैं, एक्सेप्ट द चैप्टर प्लांट किंगडम. तो इस चैप्टर को छोड़ के मेरे सारे जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर है, मेरे को सारे चैप्टर्स जो है वो अच्छे से आते हैं. बेसिकली द थिंग इज कि मेरे को उनको रिवाइज करना है, बट रिवाइज हो जाता है अगर आपको वो चैप्टर आते हों, बट अगर आपको वो चैप्टर ही नहीं आता तो आप रिवाइज कैसे करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि उस चैप्टर में लिखा क्या हुआ है. तो हाँ, उसी में से एक है मेरा ये प्लांट किंगडम चैप्टर, मेरा बस यही चैप्टर है जिसके मेरे कंसेप्ट बचे हुए हैं. तो मैंने सोचा कि अगेन अगर मैं वीडियो लेक्चर देखूंगी जो कि प्लांट किंगडम का था 5 घंटे का, तो मेरा पूरा टाइम वीडियो लेक्चर देखने में लग जाएगा, 5 घंटे के साथ साथ नोट्स भी बनाओ फिर, तो 6 घंटे मान लो, तो इसके अराउंड मेरा टाइम लग जाने वाला था. तो मैंने सोचा कि अब मुझसे टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो अब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, मेरे क्लास नोट्स पढ़ूंगी एंड खुद के नोट्स बनाऊंगी, एंड मेरे को समझ भी आ रहा था एक्चुअली ऐसे. तो जितना मैंने अभी तक नोट्स बनाए हैं उतना मेरे को समझ आ गया है, तो मैंने अराउंड एल्गी के टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया है, उसके आगे मेरे को अभी स्टार्ट करना है. तो इस तरीके से मैंने अपने बायोलॉजी के नोट्स बनाए, एंड ये था मेरा फुल डे का काम जो कि मैंने किया. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट्स मेक it to 50k.